Today we are going to discuss another topic related to bioethics, and the topic is codes for nurses. It means the code of ethics which the nurses being a professional should be adopted. The first point is nurses and the people. It means that it is the responsibility of a nurse to create environment in the hospital in which human rights, spiritual belief, patients show integrity and response. इट मीन्स के जो नर्सेज हैं उनको जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है वो इस तरह का बनाना चाहिए जहाँ पर जो पेशेंट्स के राइट्स हैं, उनके स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं और उनकी जो रिस्पेक्ट, उनकी इंटेग्रिटी और टुवर्ड्स दी पेशेंट रिस्पॉन्स, ये सब कुछ जो है ये नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और नर्सेज जो हैं उनको इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली अडॉप्ट करना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज नर्सेज एंड प्रैक्टिस. It means that एक नर्स जो है उसको ही और शी शुड बी कम्प्लीटली फेमिलियर विद ऑल द सर्जरी प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट प्लान, सोशल इशूज एंड असेसमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. इट मीन्स कि जो एक नर्स है उसको प्रॉपरली जो है वो ना सिर्फ फुली प्रोफेशनल होना चाहिए बल्कि उसको प्रैक्टिस भी ईच एंड एवरी थिंग जो है उससे रिलेटेड उसको होनी चाहिए और उसको नो हाउ होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ नर्सेज एंड प्रोफेशन. वही बात के जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट है मशीनरी में, इसके अलावा जो भी वहाँ पर चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक नर्स जो है उसको कम्प्लीटली उन चीज़ों के बारे में नो हाउ होनी चाहिए. लास्ट पॉइंट इज़ नर्सेज एंड को वर्कर. इट मीन्स दैट इट इज़ दी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सेज दैट दे शुड वर्क और दे शुड क्रिएट अ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप विद द को वर्कर्स. So these are some of the codes which a nurse should be adopted while being professional or while being a nurse. These are the some of the ethical codes which he or she should be adopted.